गुरजीत सिंह औजला साहब हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। आज आप लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की, क्या कुछ शिकायत थी आप लोग? हमारी शिकायत थी कि जब ये ईडी के सामने राहुल जी पेश हो रहे हैं उस समय हम लोग उनके साथ शांतमय तरीके से वहां तक जाना चाहते हैं, हमारे कार्यकर्ता भी जाते हैं। तो पिछले दिनों में पुलिस का व्यवहार बहुत बुरा हो रहा है, वो मेंबर पार्लियामेंट के साथ भी और आप लोगों के साथ भी बहुत बुरी तरह पेश आ रहे हैं। खासकर हमारे जो महिला मेंबर पार्लियामेंट हैं और जो एक लोकसभा के हैं, राज्यसभा के, उनको बहुत पीटा गया, उनका बहुत बुरा हालत किया गया है। एक महिला सांसद के साथ इस देश में ऐसा होना ये बहुत निंदनीय है, इसलिए हमने अब स्पीकर साहब से शिकायत की और उनसे मांग की है कि आप कस्टोडियन है उसके, आप इसकी रक्षा कीजिए, इनके मेंबर की और इनके अधिकारों की रक्षा कीजिए, अब देश अनार्की की ओर बढ़ रहा है। आपके साथ अधीररंजन चौधरी भी थे, क्या कुछ कहा लोकसभा अध्यक्ष? उन्होंने यही विश्वास दिया कि मैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय लगातार राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुला रही है, क्या आपको लग रहा है कि लोकतंत्र पे प्रहार है या फिर जानबूझकर ये साजिश? ये जानबूझकर है, लोकतंत्र पे प्रहार ही है आप कह सकते हो, क्योंकि अभी राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो देश के लिए, देश की आवाज बनकर डेली डे बाई डे जो मुद्दे हैं वो उठा रहे हैं। मुद्दे हल करने की बजाय, उसका जवाब देने की बजाय, अब ईडी के पुराने केस जो 15 में बंद हो चुके हैं, 15-16 में सारा केस की ट्रायल होकर उसको बंद कर दिया गया था कि इसमें कुछ नहीं, अब उसको दोबारा खोलकर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और उनको डराने के लिए ये सब हो रहा है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनता टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।